गाइस बात करने वाले हैं, अगर आपके पास लेबर कार्ड अभी नहीं है तो गाइस आप लेबर कार्ड जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड है अब लेबर कार्ड से भी बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो देखिए गाइस आपको जरूर बनवा लेना, इससे आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए देखिए गाइस CSC केंद्र का सहारा लेना होगा। अगर आप यहां से भी ऑनलाइन करते हैं कर सकते हैं, मगर पेमेंट की दिक्कत आ जाती है। अगर आपका पेमेंट नहीं करता है तो देखिए आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पर CSC के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, हम CSC ऑलरेडी यहां पर लॉगिन किए हैं। तो देखिए हम यहां पर CSC को लेबर कार्ड से यहां पर अटैच कर लिया, तो मिलेगा श्रमिक पंजीयन, तो इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहां पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास चालू हो, क्योंकि इस पर एक OTP जाएगा, वो OTP जब तक नहीं पड़ेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर डाल देना, OTP भेज देना, OTP डाल के जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से आपको अपना मंडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपका मंडल लगता है यहाँ सेलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, श्रमिक का नाम, देखिए नाम जो अंग्रेजी के अक्षर है बिल्कुल सेम पढ़ना चाहिए, अगर थोड़ा भी मिस कर देंगे तो गाइस देखिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाम डालेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी में अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर पिता या पति का नाम आपको इंग्लिश में फिल कर देना, जैसा आधार पर लिखा हिंदी में अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। मेल फीमेल जो भी है अपना सेलेक्ट कर लें, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जैसी भी है यहाँ पर डाल दें, कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है दोनों को, यहाँ पे इसको भी, और यहाँ पे आधार सत्यापित कर देना है। देखिए इनका है आधार है वो वेरीफाई कर दिया गया, सत्यापित हो गया। अब यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे राशन कार्ड है वो देखिए ऑटोमेटिक कैप्चर कर लीजिएगा, अगर आपका राशन कार्ड पे नाम चढ़ा होगा। यहाँ पे डिटेल आपकी सारी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अपनी माता का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है, और माता का नाम हिंदी में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यदि यहाँ पे इंग्लिश करेंगे हिंदी अपने आप आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पे देखिए पूछा कार का प्रकार, देखिए आप कौन सा कार यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अब क्या करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी बालू मोरम का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे काम लिखे हुए हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे बड़े हैं या फिर वेल्डर्स हैं या फिर देखिए लोहा हैं, पिलंबर हैं, देखिए यहाँ पे सभी के काम है। तो देखिए इनका काम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ईंट भट्टे का। अब देखिए यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ देखने, अब यहाँ पे लिखा वैवाहिक स्थिति, तो देखिए आपको शादी हो चुकी तो विवाहित कर देना है। और यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जो भी है आप अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अगर देखिए सामान से आते हैं सामान सिलेक्ट कर लेना है। नियोजक का देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी अगर आप यहाँ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर दूसरा कोई डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना, जो भी आपका एड्रेस लगता है वो आपको यहाँ पर डाल देना। और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा है गत वर्ष यानी एक साल के अंदर आपने कितने दिन काम किया। तो देखिए यहाँ पे आप सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए 100 प्लस ही डालना, 110 या 105 या 120 आपको इस हिसाब से यहाँ पे नंबर फिल कर देना है। अब देखिए जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे अगले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पे आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी तहसील क्या लगती है। आप यहाँ पर नगरी एरिया से आते हैं या फिर विकासखंड से आते हैं, तो देखिए विकासखंड से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं तो जरूर विकासखंड से आते हैं, तो आपको विकासखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपने जो ब्लॉक का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अपने गाँव का नाम डाल देना, जो भी आपके गाँव का नाम है, एरिया का पिन कोड क्या वो डाल देना। अपना पिन कोड डाल देंगे वैसे यहाँ पर आपके जो डाकघर का नाम है यहाँ पर आ जाएगा, अपना सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डाल देना। और गली या मोहल्ले का नाम क्या, अगर आप शहर से आते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अपने गांव का नाम फिल कर देना है। और उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिए जो आपका स्थायी पता और परमानेंट दोनों सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे, जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल एंड नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, तो देखिए हम अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ कर देना, नहीं तो आपको यहाँ पे ना कर देना। अब देखिए आपको किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पे नॉमिनी बना देना, उनका नाम डाल देना हिंदी में अपने आप यहाँ पे आ जाए। अपनी आपने बनाया है तो उनसे क्या संबंध है, माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, जो भी है अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो देखिए अगर पुत्री है, पिता है, तो देखिए आप अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे आपको जोड़ना है। देखिए सदस्य का पंजीयन संख्या इसे आपको नहीं बनना है, सदस्य का नाम जैसा आधार पर लिखा वैसे ही आपको यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना, हिंदी में अपने आप आ जाए। आधार नंबर है वो डाल देना, लिंक में देखिए आप मेल है फीमेल है जो भी है सिलेक्ट कर लेना, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो डाल देना, आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यहाँ पे आपको बर्थ ही रहने देना है। संबंध क्या, बेटा है, बेटी, पुत्री, जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। शिक्षा कहाँ तक करिए कि अपना सिलेक्ट कर लेना और जोड़ो वाली बटन पर टिक कर देना। तो देखिए हम यहाँ पे एक नाम आपको जोड़ के दिखा दे रहे हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना, उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डाल देना। जैसे आप IFSC फिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम और शाखा का नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा खाता का प्रकार कैसा है, तो देखिए यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, बचत सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। देखिए पहले स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र क्या हम भर के लगाते थे, अब हम भर के नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए हमारा अब देखने को मिल जाएगी। अब देखिए थोड़ा नीचे आना है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आप कितने नियोजक की फीडिंग करना चाहते हैं। इस एक नंबर या दो नंबर जैसे करते हैं देखिए यहाँ पे आपको कार के बारे में पूछा जाएगा, यानी आपने सबसे पहले काम किया क्या। जैसे मान लो अगर आपने मिट्टी का काम किया तो यहाँ पर मिट्टी का काम सेलेक्ट कर लेना, कितने महीने काम किया वो आपको यहाँ पर उसकी संख्या नंबर डाल देना है, कार्य स्थान कहाँ था वो डाल देना है, और यहाँ पर ठेकेदार ग्राम प्रधान या फिर जो भवन स्वामी होता है उसका पूरा नाम और मोबाइल नंबर फिल कर देना है, उसका फोटो लगा देना है। यहाँ पर सबको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है, वो आपकी हस्ताक्षर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको बैंक की पासबुक लगानी चाहिए उन पे भी आपके हस्ताक्षर होना चाहिए। स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, उसे फिल करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और नियोजक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अगर है तो लगा सकते, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते, ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में लगा सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए जैसे सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पे आपको 20 रुपए की फीस देनी होगी, देखिए एक साल के लिए 20 रुपए, अगर 2 साल या 3 साल के करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए हम 1 साल का ही करेंगे, यहाँ पे टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, फाइनल सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया है, आपको इसे नोट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे भुगतान करने वाली बटन है आपको इसी पर टिक कर देना। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाए, देखिए पेमेंट करना आपके लिए जरूरी है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका निरस्त कर दिया जाए, सर्च पेमेंट डेटा कर देना। तो देखिए कुल मिला के यहाँ पे आपको 40 रुपए पड़ने वाले हैं, अब यहाँ पे पेमेंट फीस कर देना, अभी आपके सीएससी का पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे वैलिडेट करके इसका पेमेंट कर देना है। अब देखिए जब तक आपके सामने यहाँ थैंक यू का मैसेज ना आए तब तक आपका पेमेंट नहीं माना जाएगा। देखिए आपका पेमेंट डन हो चुका है, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर भी आपका मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया गया, जैसे आपका रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे आया वैसे ही आपका जैसे ही अप्रूव हो जाता है वैसे ही आपके सामने आपका लेबर कार्ड नंबर है वो आपके मैसेज बॉक्स में भेज दिया जाएगा, तब आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में जानकारी पसंद वीडियो को लाइक कर दें।